प्रश्न नंबर एक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसे त्रुटि और प्रयास विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर दो, जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? इसका उत्तर है, जब दानेदार जस्ते पर जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर तीन, बिना बुझे चूने का सूत्र बताइए। उत्तर, बिना बुझे चूने को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका सूत्र CaO होता है। प्रश्न नंबर चार, बुझे हुए चूने का सूत्र लिखिए। उत्तर, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका सूत्र CaOH2 होता है। पहला प्रश्न यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इसका उत्तर है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कहने का मतलब यह है, क्रियाकारों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल बराबर रहता है।